जिला मंडी के राजकीय बल्लभ महाविद्यालय में एनसीसी के छात्र व छात्राओं को सेना में भर्ती के टिप्स कर्नल सोमलाल गुलरिया ने दिए, ताकि भारी संख्या में युवा आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकें। सोमराज गुलरिया ने बताया कि बल्लभ महाविद्यालय में एनसीसी के छात्र व छात्राओं को सेना में भर्ती होने के बारे में बताया गया, ताकि युवा वर्ग अपने देश की सेवा कर सके। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती 17 नवंबर से आरंभ होगी, जो कि 20 नवंबर तक चलेगी। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर चमन प्रेमी ने बताया कि युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए कर्नल सोमराज गुलिया ने टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि एनएसएसी के छात्र व छात्राओं को सेना में भर्ती होने के लिए सुनहरे अवसर प्रदान होते हैं। बल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में आज एनसीसी कैडेटों के लिए भर्ती कार्यालय मंडी की तरफ से एक बहुत ही प्रेरणादायक लेक्चर का आयोजन किया गया है, और जिसमें जो है भर्ती कार्यालय के जो हमारे निर्देशक हैं कर्नल सोमराज गुलिया जो है वो जो है हमारे एनसीसी कैडेट्स को एड्रेस करेंगे। ये बल्लभ राजकीय महाविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हमेशा किया जाता है, और आज की इस कड़ी में जो भर्ती कार्यालय के हमारे निर्देशक हैं कर्नल सोमराज गुलिया वो हमारे एनसीसी कैडेटों को संबोधित करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे एनसीसी कैडेट एकता और अनुशासन के ऊपर, उसके ध्येय वाक्य के ऊपर कार्य करते हैं, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को भारतीय सशस्त्र सेनाओं में और विशेषकर जो इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून है वहां पे लगभग 64 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं। और उसी की तरह ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जिनका एनसीसी सी में ए और बी ग्रेड है, उनको जो है वहां पे अधिकारी बनने का अवसर मिलता है। विदाउट रिटर्न और यूपीएससी के एग्जाम से वो डायरेक्ट जो है एसएसबी में अपियर हो सकते हैं डायरेक्ट एनसीसी एंट्री के द्वारा। और इसके अलावा भी एनसीसी कैडेट जो है बहुत सारी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग्स में भाग लेते हैं। बल्लभ राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी वियतनाम, सिंगापुर, कोरिया में युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भी भाग लिया है। तो आज की इस कड़ी में जो है हमारे जो कर्नल साहब है वो हमारे एनसीसी कैडेट को संबोधित करेंगे।